मैं आपके सामने शकरपारे की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत मुश्किल होता है बहुत से लोगों को शकरपारे बनाना, तो परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ मैं ये रेसिपी लेकर के आई हूँ। आप इसको ट्राई करेंगे, उसी हिसाब से बनाएंगे तो आपके शकरपारे परफेक्ट बनेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो मैंने एक बर्तन ले लिया है, कोई भी आप जिसमें भी आटा आप लगा सकते हो वो ले लीजिए। 500 ग्राम मैंने इसमें मैदा लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, आधे चम्मच से भी कम डालूंगी, क्योंकि जब हम शुगर में कोट करते हैं ना तो उसका जो आटे का जो हम जो फ्राई करेंगे जिसमें शुगर हम कोट करेंगे वो फीका लगता है, तो हम इसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर डालते हैं, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसको मिला लेंगे। 500 ग्राम हमारा मैदा है तो उसमें घी मोयन कितना जाएगा, तो 5 बड़े चम्मच जाएगा, टेबल स्पून से 5 टेबल स्पून जाएगा। मैं इसके अंदर 5 बड़े चम्मच घी डाल रही हूँ, 5 चम्मच मैंने डाल दिया है। और अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से हाथ से हथेलियों से मसल लेंगे, रब कर लेंगे, और आपको हाथों के बीच में रखना है। और घी इसका ना मेल्टेड नहीं लेना है, बहुत थोड़ा सा पिघला थोड़ा सा जमा हुआ ऐसे ही घी लेना है आपको। इसको अच्छे से आप सब तरफ से मिला लीजिए। ये मैंने मिला लिया और इसमें ना आप मुट्ठी में दबाइए, तो जब आपका बॉल बन के तैयार होता है इसका मतलब आपका मोयन परफेक्ट है। अब हम इसका आटा लगाएंगे। आटा लगाने के लिए मैंने 1 कप पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे क्योंकि मैदे के ऊपर डिपेंड करता है कितना पानी जाएगा। इतने आटों को लगाने में मेरा थोड़ा सा 2 चम्मच पानी बच गया है, 1 कप पानी लिया था उसमें थोड़ा सा पानी बच गया है। अब मेरे को उसका डो देखिए, मैंने ऐसे लगाया, बिल्कुल परफेक्ट डो लगाया। ना बहुत हार्ड चाहिए आपको, ना बहुत सॉफ्ट चाहिए, बीच वाला ही चाहिए होता है, ताकि आप जब बेलें ना तो आपको सूखे आटे की ऑयल की कोई ज़रूरत ना पड़े, इस बात का ध्यान रखना है। और इसमें मोयन वगैरह का परफेक्ट पड़ा है तो आपके शक्करपारे परफेक्ट तो बनते ही हैं। और ये हमने 10 मिनट रख दिया था आटा। 10 मिनट के बाद मैं ये आटा को अपने बोर्ड पे निकाल लेती हूँ और इसको 3 बराबर बराबर हिस्से में कर लूँगी मैं, ताकि हम इसको, क्योंकि ये थोड़े शक्करपारे थोड़े मोटे मोटे कट्टे हैं, थोड़े मोटे बेले जाते हैं, तो इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। 3 बड़े बड़े अपनी लोइयाँ ले लूँगी और हर एक लोई को बेल करके इसको हम काटेंगे। ये हमने इसके लोइयों को बेल लिया है, 1/2 इंच उसका थिकनेस रखनी है आपको। उसके बाद आप इसको आप अपने, मैं तो इसको पिज़्ज़ा कटर से काटूंगी, आप चाकू से भी काट सकते हो। देखिए आप पिज़्ज़ा कटर से काटेंगे ना तो उसमें देखिए गोल गोल घूम के उड़ जाता है, तो जब आप काटिए ना तो 1 हाथ उंगली आप लगा के रोक लीजिएगा, जिससे ये उठेगा नहीं। एटलीस्ट चाकू से भी काटो तब भी ये चीज़ होती है कई बार, तो इस तरीके से करें, लेकिन ध्यान से कि उंगली ना कट जाए आपकी, ध्यान से करिएगा। और अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अपने चॉपिंग बोर्ड को जो है हम घुमा लेंगे। अब हम इसको घुमा के दूसरी तरफ से काट लेंगे। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना कैसा चाहिए, छोटे शक्करपारे बड़े शक्करपारे कैसे चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंने काट लिया, जो साइड में छोटे छोटे होते हैं ना इनको निकाल लेना है, क्योंकि जब आप इसको निकाल लेंगे, क्योंकि जब आप फ्राई करेंगे ना छोटे छोटे टुकड़े ना, फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं, तो इनको निकाल लें, ताकि साफ में से निकालेंगे फिर लास्ट में हम इसको बेल के काट लेंगे। ये हमारा कट चुका है और अब हम इसको क्या करेंगे, किसी बर्तन में निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सारा काट के आपको दिखाते हैं और अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल गैस पर चढ़ा लिया है, ऑयल हमने गर्म करने रख दिया था। और ये हमारा थोड़ा सा मैंने आटा डाल के देखा, आटा जो हमने डाला है तो धीरे से ऊपर आया, एकदम से ऊपर नहीं आया है, कि हमारा ऑयल जो है परफेक्ट गर्म है। और अब हम इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे करके अपने ऑयल में डाल देंगे। जो शक्करपारे के लिए हमने आटा लगाया था तो हम धीरे धीरे करके ऑयल में डाल देंगे, लेकिन धीरे से डालें ताकि ऑयल आपके ऊपर ना आए। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत चिपके हुए से हैं, लेकिन जब ये फ्राई होंगे ना सब अलग हो जाएंगे अपने आप, हमें एक भी अलग करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसका यही है कि हमारा आटा जो है परफेक्ट लगा है। और हम इसको 2 बार में फ्राई करेंगे, तो अभी हमने 1 बार में डाल दिया, फिर दूसरे राउंड में बाद में डालेंगे। तो हमें इसको बीच बीच में चलाते रहना है, और जब इसका हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा
तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये लगातार चलाएंगे ऊपर नीचे से बराबर से, ताकि इसमें जो है इक्वली सीख जाए। नहीं तो क्या होता है, एक तरफ ज़्यादा सीखेगा एक तरफ कम सीखेगा, तो वो भी सही चीज़ नहीं होता है, क्योंकि वो ना एक तरफ कच्चा रहेगा, क्रिस्पीनेस नहीं रहेगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, और बिल्कुल कम आँच पे सीखना है, लो मीडियम पे ही सीखना है, बिल्कुल हाई नहीं करना है गैस पूरे। एक बार भी आपको गैस का ये नहीं है कि आपको गैस को फ्लेम को हाई करना है, हमेशा लो पे ही फ्राई करेंगे। मठरी है, शकरपारे, कोई भी चीज़ अगर आप ऐसे बनाते तो बिल्कुल लो फ्लेम पे ही करना है। थोड़ा टाइम लगता है बट चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं। ये हल्का सा देखिए कलर आ गया है, कलर आ गया है। अब हम इसको लगातार चलाएंगे, लगातार चलाते चलाते जब इसका कलर अच्छे से आ जाएगा तो अब हम इसको निकाल लेंगे। हम इसको निकाल लें ताकि इसमें ऑयल नीचे ही आ जाए, फिर हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ऐसे ही हम आपको क्या करेंगे, सारे फ्राई करके दिखाएंगे। और जो ये कलर कम है ना, जब आप इसको रखेंगे ठंडा होने के बाद और थोड़ा सा डार्क कलर आएगा। ऐसे ही हम बारी बारी से सब निकाल लेंगे। मैं अब आपको सब फ्राई करके दिखाती हूँ। ये मेरे सारे शकरपारे जो है ये फ्राई हो गए हैं। मैं इसको तल लिया था, तो 500 ग्राम में इतना शकरपारे बनके तैयार हुए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी हैं, देखिए। तो चलिए इसी तरीके से बनाइएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इसको शुगर में कोट करते हैं। हमने इसको 1 कप जो है चीनी लिया है, 1 कप मैं आपको 2 कप दिखा रही हूँ, लेकिन ये आधा कप का है इसलिए मैंने 2 बार लिया है। और मैं जो शक्करपारे 500 ग्राम लिए थे ना, उसको मैं आधा भी इसमें शक्कर में डालूँगी, यानी कि 250 ग्राम। अगर आप देखेंगे तो मैंने इसमें 1 कप चीनी ली है, 2 कप यानी कि आधा आधा कप 2 बार लिया है, तो मेरे को इसमें आधा कप पानी डालना पड़ेगा। आप देख सकते हैं पानी कम है, थोड़ा पानी मैं और डालूंगी इसमें, 1/4 कप में पानी इसमें थोड़ा और ऐड करूंगी। मिलाएंगे इसको जी। तो अगर हम देखें, अगर आधा आधा कप के हिसाब से देखेंगे, अगर ग्राम के हिसाब से देखेंगे, तो मैंने 250 ग्राम चीनी ली है और 125 ग्राम मैंने इसमें पानी डाला है, जैसे उसका हाफ मैंने पानी डाला। और इसको बॉईल होने देंगे, और 2 तार की चाशनी हमें इसमें बनानी है। और जो हम इसको शुगर में कोट करेंगे ना, तो जो हमने उससे पहले जो फ्राई किया है वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर गर्म नहीं होना चाहिए। ये हमारी इसमें बॉईल आ चुका है, आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा ये 2 तार की चाशनी बन गई साइड में। आप देख रहे हैं कितना वाइट कलर का ये आ रहा है, इसका मतलब ये जमने के लिए रेडी है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। मैंने पूरा एक बार में नहीं कोट कर रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई छोटी पड़ जाती है, तो हम इसको 2 बार में शुगर में कोट करेंगे। ये तो फिर इधर उधर फैलता है, गिरता है, किचन भी बहुत मैसी हो जाता है। तो इसको, और जैसे आप इसमें डालेंगे, आपको थोड़ा सा बॉयल आने का इंतज़ार करना है। थोड़ा सा जब बॉयल आ जाता है चीनी में, फिर हम इसको गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। देख रहे हैं आप, मेरा ये बॉयल आ रहा है चीनी में, चाशनी हमारी बॉयल हो रही है। अब हम इसका फ्लेम जो है बिल्कुल बंद कर देंगे। और अब हम इसे क्या करना है, लगातार चलाना है, लगातार चलाना। तब तक हमें इसको चलाना है जब तक इसके ऊपर शुगर वाइट वाइट ना दिखने लग जाए। पूरे शुगर हमें इसके ऊपर वाइट वाइट चीनी जैसे शुगर कोटिंग ना नज़र आने लगे, तब तक हमें इसको चलाते ही रहना है, रुकना बिल्कुल नहीं, क्योंकि जहाँ रुकेंगे ये सब एक दूसरे में चिपक जाएंगे। आप इसको लगातार चलाइए, बहुत टाइम नहीं लगता है, इसलिए कम कम किया जाता है। बहुत ज़्यादा करेंगे, एक साथ डाल देंगे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा चीनी फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया है ये, लेकिन इसका फ्लेम ऑफ करके ही करना है ये सारी चीज़ें। और ध्यान से, क्योंकि चाशनी बहुत गर्म होती है तो हाथ पे लगेगा, तो हाथ जलने का ज़्यादा चांसेस होता है, तो थोड़ा ध्यान से करना है ये काम। लगातार चलाएंगे, देखिए इसको मैंने बराबर से चलाते आई हूँ, चलाते रहा है। तो इस पर देखिए, इस पर शुगर कितने अच्छे से ऊपर से देखिए, एक एक शुगर उसके ऊपर कोट हो गया है, और एक भी चिपका नहीं है दूसरे में आपस में। और खाने में तो इतना टेस्टी है ही ये,
क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ मैं खातीस करती हूँ उसके बाद ही मैं आपके सामने कोई वीडियो लेके आती हूँ, ये तो नहीं लेके आती। ये प्रॉपर वे में देखिए, और इसमें ये भी नहीं है कि चीनी बहुत सारा नीचे बचा हुआ, जैसे बहुत से लोग बनाते हैं तो चीनी इसमें नीचे बच जाती है बहुत सारी, चीनी बिल्कुल नहीं बची है। तो मेजरमेंट बिल्कुल ध्यान रखें, 500 ग्राम हमारा मैदा था तो 250 ग्राम मेरे चीनी थी और 5 चम्मच मेरा घी था, 5 बड़े चम्मच। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।